बैठ जाए आराम से। मेरे को ना चूल्हे का जो बटन है ना वो टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक है। जो भी मेरे बहन भाई देश पर देश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी में दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज करते हैं। तो जी, हमने ना असर की नमाज पढ़ ली है, तो मैंने ना पहले सब्जी बना रही थी, आज मैंने बनानी है जी भिंडी। तो ये मैंने भिंडी भी पहले धोई अच्छी तरह से, फिर इसको खुशक किया, फिर इसको काट के रख दिया। और उसके बाद मैं सारा मसाला बना ली थी, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरा धनिया और पुदीना और हरा धनिया भी बना लिया, ताकि मैंने ना इसके साथ ना भिंडी के साथ पुदीने की ना चटनी बनानी है, ताकि रोज़े रखे हुए हैं जो भिंडी है ना ये गैस ना बनाए और इबादत करनी होती है, फिर मसाला बन जाता है, भाई भाई होती है ना। तो जी अभी मैंने आग जलाई है जी, बटन जो है ना सारी के वक्त मुझसे टूट गया था, तो अभी मेरा बड़ा मसला बन गया, इसका कील जो है ना वो हाथ पे लग जाता है। तो पौने के साथ ना मैं इसको सेट करती हूँ, कि ये जो काम सिल जाएगा हमारे नहीं, साथ ही मैं ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो है ना ये कूट लूँगी अपने चट्टू बट्टे में। और वर्दा की अभी पटाई हुई है, इसने ना नीमको खा लिया, तीन पैकेट पड़े हुए थे, तो इसकी मामा कह रही कि गला पहले से ख़राब है और ऊपर से तुमने तीन पैकेट वो खा लिए, वो बहुत ज़्यादा मसाले वाली है, इतना खट्टी भी है और मसाले वाली। पहले जब हम ये लेके आते थे ना तो हम टेस्ट करते थे, मैं तो एक दो मरतबा देखा, लेकिन मैं इनको भी मना करती हूँ ना खाओ, तो ये फिर भी खाती है, फिर गला ख़राब होता है, फिर डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जाते हैं। तो अभी इसकी पटाई हुई है, भाग के आ गई इधर, छुप गई आके अपनी मामा से, मारा मामा है वैसे, भाग के आ गई थी वैसे भाई, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, बोलो अभी जी डांट पड़ी है तो अभी मूड ऑफ है वर्दा का जी। तो हमारी भिंडी जो है ना ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तो अभी मैंने इसको निकाल लेना और साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी। तभी मैं भिंडी को ना दम पर लगाने लगी, रखने लगी हूँ, तो ये मैं ना थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दूँ और सब्ज़ धनिया। ये है जी हमारी भिंडी का धनिया। अभी हम इसको रखते हैं दम पर, बनाते हैं हम चटनी, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें और एक टमाटर डालेंगे। अनारदाना जब जाऊंगी शायद फिर लेके आऊंगी, क्योंकि अनारदाने की ज़्यादा मज़े की लगती है, अभी मैं टमाटर ही डालूंगी, आज रायता नहीं बना रही क्योंकि दही नहीं है, तो इसलिए ना आज सिंपल सी बना ली, एक टमाटर डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इस तरह छोटे छोटे आए ना इसमें से पीस टमाटर के, बड़े अच्छे लगते हैं, हर नवाले में ना बड़ा मज़ा आता है। चलिए हमारी चटनी भी बन गई, अभी हम बनाते हैं पानी। ये भी मैं ना यहाँ पर रख लेती हूँ और ये बर्तन भी समेट लेती हूँ, ये बोतल भी यहाँ से उठा लेती हूँ जी। तो इधर मैंने ना पानी बना लिया और बच्चे कह रहे कि आज ना हमने जामे शीरी पीना। चलिए ये भी डालते हैं और थोड़ी सी डालेंगे बर्फ, क्योंकि बर्फ ज्यादा डालने से बच्चों ने ज्यादा पड़ गया, तो अभी डाल के चेक कर लेते हैं कितना
हमें सुरख चाहिए। इसकी खुशबू ही होती है, वैसे तो ये फ्लेवर भी डाला होता है, बस इसमें कौन सी ताकत है। तो जी ये बर्फ़ है, इतनी सी डाल देते हैं। ये भी पहले की रखी हुई थी, तो अभी तो हमने ना जमाना शुरू नहीं किया। चले जी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बस इतना ही बहुत है जी। तो मैंने ना इधर रोटियां बनानी स्टार्ट कर ली हैं, ये तीसरी रोटी माशाल्लाह से बन गई और इतनी फूल रही है माशाल्लाह। सबको आज ना बहुत माशाल्लाह से जी। मेरी जान क्या हुआ है, रोटी खानी है आपने भी? रोजा पक्का नहीं किया आगे? पहले पक्का किया ना? हाँ पक्का किया, आज इसने रोजा पक्का किया, चावल खाए है ना मेरी जान। तो जी अभी जल्दी से बना लेती हूँ, 7-8 रोटियां बनानी है बस। अपने पास रखा, अभी अभी ठहर जाओ, अभी अजान वो ये लो पकड़ो पानी, ये डब्बा आपका, ये लो अपने पापा को दो, मामा को दो, मामा को दो, ध्यान से बिस्मिल्लाह ये पकड़ लो। बाजी वाला, ये इसकी बाजी है, मामा को कह रहा है ये लो बाजी। आपको भी दे, ये लो ये लो, आप तो अपना पक्का करो रोजा, चलो पीलो पीलो। आपको भी दो ये वाले डब्बे में, इसका ये बड़ा डब्बा है। देखिए जी लाइन ये ना अभी हुसैन से जूते उधर ना एक साइड पर लगा के आए, देखिए माशाल्लाह से ये कितना जमीन है। पकड़ो पकड़ो आप पकड़ो पकड़ो, अभी दे रही हूँ दे रही हूँ, एक पकड़ो एक पकड़ो, ये लो बिस्मिल्लाह, ये लो पकड़ो हो बिस्मिल्लाह, ये लो रोज खजूर भी ले लो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखे एनर्जी आ गई है फुल रोजा इफ्तार करके। तो अभी जी जिस मेरे बहन भाई ने सैर करनी है, कुछ बहन के साइड के पीछे बैठ के वो भी आ सकते हैं। ये देखे माशाल्लाह से बड़ी बहन को पीछे बिठा कर तो झूला दे रहा है। तो इधर जी मेरा बेटा ना गाय का दूध निकालने लगा, तो हम जी बस थोड़ा सा खा पी कर नमाज पढ़ के थोड़ी सी चैर कर भी कर रहे थे कि थोड़ा सा ना वो पेट भारी हो जाता ना पानी पी पी के। तो वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ, और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और पूरी वॉच किया करें। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिए याद, अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। ओके जी अल्लाह हाफिज़।